हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिखर अकेडमी और मैं मंजीत भास्कर आपका अपने शिखर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक की। ट्रिक क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते होंगे जरूर, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे जरूर, या ये ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। करना क्या होता है, आपका ये है यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर आपका है 7। तो आपको कोई दो ऐसी संख्या देखनी होती है जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है आपकी, 5 × 2, यानी 5 × 2 = 10। तो यानी कि आपकी एक संख्या 5 होगी और एक 2 होगी। इसमें आगे कुछ नहीं करना होता, बस इसके ऊपर रूट लगाया, इसके ऊपर रूट लगाया और बीच में क्या है आपके प्लस, बस जी आपका आगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, यहाँ पे कितना है 6, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर्स, यानी कि ऐसे दो टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए और जोड़कर 5, तो ऐसे टुकड़े आपके 3 और 2। बस हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगाया, इसके ऊपर रूट लगाया और बीच में लगा के प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस 15 के यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के कितना आना चाहिए, जोड़कर ही ऐसे जोड़कर जैसे जोड़कर कितना आना चाहिए 8। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे आपके 5 और 3, यानी 5 × 15 और 5 और 3 = 8। बस रूट लगाया इसके ऊपर, इसके ऊपर भी रूट लगाया और बीच में क्या आया आपका माइनस, माइनस लिख दिया, आ गया आपका आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना था, 21 के ऐसे फैक्टर या ऐसे टुकड़े जिन्हें को जोड़ जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपका 21 और जोड़कर 10। तो 7 और 3, यानी कि 7 × 21, 7 और 3 = 10। तो बस इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी, और ये हो गया आपका माइनस लगा के आपका आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो धन्यवाद।